अपनी अम्मा की कसम खा रही हूँ, अपनी अम्मा के सर की कसम खा रही हूँ, यही है मेरे पास, मेरे बाबूजी भी नहीं है, यही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसको कुछ हो जाए, मैं इसकी कसम खा रही हूँ। आपको कोई बोले गवार है, दिहाती है, आप लोग उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? इसको मैंने खोला तक नहीं है, अगर मेरा रखने का मकसद रहता तो इसको मैं यूज करती, इतना मुझे सुंदर बनना रहता, इतना मुझे गोरा होना रहता, तो 4000 चुरा के मैं क्या करूंगी। मेरी यही मेरी औकात है कि मैं चोरी करूं, मुझे बहुत डिप्रेशन में डाल रहा है। प्लीज आप ही लोग बताओ मुझे मैं कहां गलत हूं। इसमें से एक दिन सिर्फ मैंने यूज किया, वो भी चेक करने के लिए, आप लोग देख लो एकदम भरा पड़ा है, देखो आप लोग, मैं मेरे आईडी में जाके देखिए 10-10, 15-15 कोला भरा है इसने इस औरत की वीडियो से। मैंने उस औरत को रात में ही मैसेज डलवाया कि मैं ये तुम्हारा क्रीम बेच रही, एक क्रीम मैंने यूज किया है, इसका मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, सारा स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिए। कोई एक्सटेंशन ना करवाए, सब खराब होता है। अपने रियल बाल को सही करो, आप लोग अपने रियल बाल को ठीक करो। हेलो एवरीवन, आप लोग को शायद पता हो कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ आप लोगों से। निशा लांबा, उन्होंने मुझे एक 4000 रुपए क्रीम के लिए मुझे चोर बना रही है वो। मेरी औकात नहीं है 4000 क्रीम खरीदने की, 4000 रुपए की क्रीम खरीद के लगाने की, बताओ। और आप लोग मुझे चोर चोर बोल रहे हो, यार जब वो मेरे पास क्रीम भेजी, अगर मुझे नहीं प्रमोशन, उसके क्रीम का प्रमोशन नहीं करना रहता तो मैं क्यों अपने पास मंगवाती, बताओ मुझे, नहीं मैं क्यों मंगवाती, मंगवाई भी तो प्रमोशन करने के लिए मंगवाई ना। अब प्रमोशन करने भी जा रही हूँ तो वो मेरी आईडी खरीदने की बात कर रही है। 40000 रुपए वो मुझे देती और एक महीने में 15 बार उनके क्रीम को लेके मैं वीडियो बनाती अपने आईडी पे, ऐसे बनाने के लिए बात बोल रही थी और डेली स्टोरी रखने की बात कर रही थी अपने इस क्रीम का, इन सब क्रीम का, इनका क्रीम मैंने कहाँ से खोला है। जब मैं उनकी इस बात पे एग्री नहीं हुई तो वो मेरे खिलाफ वीडियो बना के डालने की बात कर रही है, और उन्होंने बना भी दिया, फर्स्ट टाइम भी उन्होंने मुझे धमकी दिया था, साथ साथ कोलैब करने की बात कर रही है वो, साथ साथ कोलैब करने के लिए मेरे से बोल रही थी, मैं साथ कोलैब नहीं एक्सेप्ट की तो मुझे फिर धमकी दी 4000 से 5000 के इनके क्रीम है, इनके क्रीम वैसे ये आप लोग देख लीजिए, ये फेस वाश है, इसको मैंने खोला तक नहीं है, अगर मेरा रखने का मकसद रहता तो इसको मैं यूज करती, इतना मुझे सुंदर बनना रहता, इतना मुझे गोरा होना रहता तो। और ये मैं ये वो साक्षी खुद खोल के भेजी थी, आप लोग देख लो, ये खुद खोल के मुझे भेजी थी क्रीम, ये क्रीम देखो आप लोग, ये वो क्रीम है, सारा क्रीम भरा पड़ा है, देखो आप लोग, सारा क्रीम इसमें भरा पड़ा है, और इतने 4000 क्रीम के लिए मेरी इतनी बेइज्जती, मुझे चोरी चोर बनाया जा रहा है, मैं चोर हूँ, मेरी औकात नहीं है ये क्रीम खरीदने की। एल्बम करती हूँ मुझे इतने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, प्रमोशन करती हूँ इतने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और इतने के लिए मैं क्रीम मुझे चोरी लग गया। एक बार इज्जत चली जाती है तो वापस नहीं आती है। मैं क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे चोर बनाया, आप लोग खुद बताओ फैंस। अगर आपको कोई बोले गवार है, दिहाती है, आप लोग उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? आप बताओ मुझे। मैं इससे पहले मीशो ऐप का प्रचार की हूँ, मीशो ऐप से मुझे इतने सारे प्रोडक्ट आए हैं ब्रांड के, मैं इतना सारा प्रचार की हूँ, मुझे बोलने नहीं आएगा मुझे, मैं रिव्यू गंदा रिव्यू दी थी उनको मैं, जब ये मुझे गंवार बोल रहे हैं ये और ये दोनों साक्षी मिलके, तो मैं इनके साथ कैसे रह सकती हूँ, आप बताओ मुझे, मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा।
मैं ये सब करके ऐसे ये नहीं है कि मेरी वीडियो बहुत चल जाएगी, मुझे लोग नहीं जानते हैं, मुझे लोग जानते हैं। हमारा ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है कि मैं किसी को इमोशनली वो करूं, लेकिन मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूं। मुझे लोग चोर चोर बोल रहे हैं, मेरे वीडियो बाकी कमेंट कर रहे हैं, मैं चोर हूं। आपका जब ये प्रोडक्ट नहीं सही है तो मैं क्यों प्रचार करूं? मैंने यहीं पे देखी, आप लोग इसे चैटिंग में बोला कि दो प्रोडक्ट मैं आपके भिजवा रही हूँ और एक प्रोडक्ट के पैसे दे रही हूँ मैं आपको, और आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, चोर बुलवा रही हैं सबसे। मैं कल रात से इतनी डिप्रेशन में, कल रात से मैं खाना नहीं खाई हूँ, इसी रूम में मैं पड़ी हूँ। मेरे घर वाले खुद सोच रहे इसको क्या हो गया है, मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है। मैं गवार हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी प्रमोशन, मैं गवार हूँ, जाहिल गवार हूँ मैं। जो लड़की उसमें बोली है कि हमारी गलती है, पहली बात उस लड़की को मैं एक डेढ़ महीने से उसको मैं अपने पास से हटा दी हूँ, और रीजन क्या है आप लोग ये भी जान जाइए कि हमारे पास रहती थी, हमारे पास से खाती थी, हमारा कपड़ा भी मांग के पहन लेती थी, अपने इतने महंगे महंगे कपड़े भी दे देते थे उसको पहन के जाने के लिए, और उसको महीने में सैलरी भी देते थे हम, और मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करती थी, मेरी पीठ पीछे छुरा घोपती थी। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उस साक्षी नाम की लड़की को हटा दिया, अपने पास से हटा दिया। फिर ये इन लोगों की, दोनों लोग की मिली जुली भगत है, ये लोग दोनों लोग मिलजुल के हमको ऐसे बदनाम कर रहे हैं, चोरी का इंजाम लगा रहे हैं। अरे जितने का क्रीम है उतने पैसे का तो मैंने इस साक्षी को कपड़े दे दिए हैं, हमको क्रीम का ये चोरी लगवा रही हो, शर्म करो। मेरे फॉलोअर्स लेके बैठी हो तुम, 12-12 बजे तक मैं बैठ के उसके उस लड़की के फॉलोअर बढ़वाई हूँ, मैं 20,000 तक फॉलोअर बढ़वाई उसकी, उसका किसी प्लेटफॉर्म पे काम लगवाने के लिए सोच रही थी बैठ के, और तुम जिस पत्तल में खाई उसी पत्तल में छेद कर रही हो। ये साक्षी मुझे खुद गोरखपुर में आपको ऑटो वाले से बात करने का तमीज नहीं है, कितना हूँ आप आगे चली जाएंगी हमें, कितना हूँ मैं आगे चली जाऊंगी, मैं देहाती गंवार ही रहूंगी, तुम अंग्रेज वाली हो तो बन जाओ कुछ, मैं तो गांव से हूँ फिर भी मुझे लाखों लोग जानते हैं, मेरे कला से जानते हैं, तो तुम भी हो जाओ, तुम भी कुछ बन जाओ। मैं ऐसे लोग के साथ रहूंगी जो मुझे गंवार बोलते हैं, गंवार बोलते मुझे, जाहिल गंवार बोलते, मैं उन लोगों के साथ में काम करूंगी, मैं नहीं करूंगी। मैंने इसी बात पे इनका प्रमोशन मैंने नहीं किया और मैं नहीं करूंगी, मैं गंवार तो गंवार ही सही। मीसा लांबा के पैर में कभी धूल नहीं लगते होंगे, और मैं यहाँ दिन रात एक करके काम करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, छत में धूप में जाड़ा गर्मी बरसात सब में, आपको थोड़ा सा भी दिल में ये नहीं है कि हाँ अरे बेटी ही लगूंगी मैं तुम्हारी बेटी ही लगूंगी, और मुझे चोर चोर बोल रही हो। बाल मैं लगवाने के लिए तुम्हारे पास आई, मैंने तुमसे कॉन्टेक्ट किया, कोलैब की बात मैं नहीं कर रही थी, कोलैब की बात तुमने मेरे से स्टार्ट किया। ये लोग ऐसे करके मुझे बहुत डिप्रेशन में डाल रहे हैं, प्लीज आप ही लोग बताओ मुझे मैं कहाँ गलत हूँ। कोई मुझे गंवार बोलेगा मैं उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन क्यों करूंगी, नहीं करूंगी मैं, और मैंने साफ साफ बोला है मैं वापस कर रही हूँ, तो वीडियो बनाने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता, मुझे चोर कहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग बताओ मुझे कमेंट में मैं क्या करूं, आप लोग मुझे चोर चोर बोल रहे, मैं कुछ कर लूं, खुद को कुछ कर लूं मैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है मेरी। आप लोग कमेंट में बताओ मुझे करो, जैसे मुझे चोर चोर बोल रहे हो वही बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो मुझे मैं कहाँ गलत हूँ, बताओ।
बताओ मैं 4,000 रुपए चुरा के राजा बन जाऊंगी, मैं राजा बन जाऊंगी, बताओ मुझे क्या कर लूंगी मैं 4,000। 1.5 लाख का फोन है मेरे पास जिससे वीडियो बन रही है, 4,000 चुरा के मैं क्या करूंगी। मेरी यही मेरी औकात है कि मैं चोरी करूं। अरे मैं तो खुद धूप में वीडियो बनाती हूँ, खुद धूप में बनाती हूँ, मेरे फेस वैसे भी जल जाते हैं, मेरे हाथ पर सब, मैं खुद सांवली हूँ, क्या मैं अंग्रेजों जैसे गोरी हो जाऊंगी ये यूज करके। मैंने तो खोला भी नहीं है, खोल के अगर मैं यूज कर ली होती आप लोग को दिखाई ना, यूज कर ली होती तो समझ में भी आता, हाँ मैं लालची हूँ, मैंने यूज कर लिया, मैंने नहीं यूज किया। इसमें से एक दिन सिर्फ मैंने यूज किया, वो भी चेक करने के लिए, आप लोग देख लो एकदम भरा पड़ा है, देखो आप लोग में। बताओ आप लोग कमेंट में मैं कहाँ गलत हूँ, बताओ। रात से ही मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। कैसे मैं बारिश नहीं देखती हूँ, धूप नहीं देखती हूँ, जाके छत पे जाके वीडियो बनाती हूँ मैं। ऐसे किसी के मेहनत में पानी नहीं फेरना चाहिए मैम, ऐसे किसी के मेहनत में पानी नहीं फेरना चाहिए। आप तो दिन भर में लाखों रुपए कमा रहे हो, हमारे आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अकेले सब कुछ करती हूँ मैं। मेरे वीडियो में जाके आईडी में आप लोग देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के साथ ये राखी सावंत करके हैं, उनके साथ इन्होंने अपना हेयर एक्सटेंशन वगैरह उनके साथ 2 कोलैब किए हैं। मेरे आईडी में जाके देखिए 10-15 कोलैब भरा है इसने, इस औरत की वीडियो से। मेरे साथ इसने ब्लॉग बना के डाला, दोनों वीडियो पे 2-2 मिलियन इतने ज्यादा ज्यादा व्यूज गए, उससे आपने पैसे नहीं कमाए। मैंने आपसे चार्ज लिया, आपका एल्बम आया था, आपने एक बार मेरे से बोला कि स्टोरी रख दो, मैंने स्टोरी रख दिया, अंजलि जान बाबू को स्टोरी रख दो, मैंने स्टोरी आपसे पैसे मांगे, स्टोरी के मैंने आपसे पैसे मांगे कि आप मुझे पैसे दो, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए मैं चार्ज करती हूँ, आप हमको पैसे, मैंने आपसे पैसे मांगे, इतनी पैसे की लालची होती, व्यवहार नहीं बनाती मैं आपसे, आपके सॉन्ग का वो वीडियो मैं नहीं रखती, बिना पैसे के मैंने आपके सॉन्ग का प्रमोशन किया, वहां पे स्टोरी पर रखा, वहां पे मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था। और रही बात फ्रेंड्स क्रीम का प्रमोशन करने की, तो मैं एग्री थी कि मैं आपके क्रीम का प्रमोशन कर दूंगी, इसलिए मैंने एक ये SPF वाली क्रीम अपने फेस पे एक दिन लगा के चेक किया कि मतलब इसका रिजल्ट क्या है, कैसा है ये, मैंने एक दिन लगा के चेक किया, सिर्फ एक ही दिन मैंने इसमें से निकाला, आप लोग देख सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। उसके बाद जब मैं मना की एक बार कि मैं नहीं करूंगी, फिर उन्होंने धमकी दिया अगेंस्ट जाके मैं वीडियो बना के डालूंगी। आप लोग मुझे चोर चोर बोल रहे हैं, कम से कम दोनों तरफ की बातें तो सुनिए, एक तरफ की बातें ही सुन के क्यों मुझे चोर चोर बोल रहे हैं। मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, या मेरे पास और भी क्रीम के प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए नहीं आते, या साड़ी नहीं आती, मैं ये क्रीम एक चुरा के मैं क्या करूंगी। मैंने उस औरत को रात में ही मैसेज डलवाया कि मैं ये तुम्हारा क्रीम बेच रही, एक क्रीम मैंने यूज किया है, इसका मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, सारा स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिए, इसके पैसे दे दूंगी और ये तुम्हारे दोनों क्रीम मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, तुम्हारे एड्रेस में भिजवा दूंगी। उसके बाद मुझे चोर चोर वीडियो में चिल्ला रही है, चोरी करके मैं अपना खर्चा निकालती हूँ, मैं चोर नजर आ रही हूँ। इतने मेहनत से मैंने इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं ऐसे बर्बाद होने के लिए। और मैंने क्यों नहीं प्रमोशन किया, वो मुझे गंवार बोल रही है, तुम्हें रिव्यू अच्छा देने नहीं आता, तुम गंवार हो, जाहिल हो, आप लोग बताओ मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा, मैं गांव की हूँ तो जाहिल गंवार हूँ मैं, जाहिल गंवार हूँ मैं। आप दिल्ली में रहती हो तो क्या हो, मैं अपने टैलेंट से इतने फॉलोअर्स कमाई हूँ, मैं इससे पहले कोई प्रमोशन नहीं की हूँ मैं। जब फर्स्ट चांस इनके साथ मैंने
अपना काम करवाया, बाल का करवाया, तो कोलैब इन्होंने बोला 5 कोलैब करने के लिए। हम बोले ठीक है, वीडियो भी बनाई मेरे साथ, ब्लॉग की अच्छा खासा ब्लॉग भी चला। 5 कोलैब की बात की, फिर जब हम लोग चले आए अपने यहाँ घर, अपने घर चले आए, ये बोली 7 कोलैब करने के लिए। हम बोले मैम आपके वीडियो से मेरी आईडी भर गई है, 5 कोलैब की बात हुई थी, 7 कोलैब मैं क्यों करूं। बोल रही है एक्सेप्ट करती हो या फिर एक्शन लूं मैं, वीडियो तुम्हारे खिलाफ बना के डालूं। इस बार भी इन्होंने मुझे धमकी दिया, इस बार भी धमकी दिया और वीडियो भी बना के डाल दिया। मैंने इनसे बोला मैं आपके 2 प्रोडक्ट वापस कर रही हूँ, 1 प्रोडक्ट का पैसा दे रही हूँ। इन्होंने इस बार भी मुझे धमकी दिया, जाहिल गंवार बोला। धमकी देना, किसी को ब्लैकमेल करना छोटी बात होती है। मैं आपका क्या खाई हूँ क्या ली हूँ मैं, आप मुझे धमकी दोगी और मुझे गंवार बोलोगी, गांव के हमें मुझे गंवार बोलोगी तो मैं आपका काम करूंगी, मैं नहीं करूंगी। और आप लोग मुझे, जो मेरे फैंस हैं जो मुझे चोर चोर बोल रहे हैं, आप लोग अंजलि को नहीं जानते, आप लोग मुझे नहीं जानते, आप लोग कैसे बोल रहे हैं मुझे चोर चोर, जब आप लोग मेरा खुद साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं तो टूट जाऊंगी ना। मुझे आप लोग के साथ की जरूरत है, आप लोग के साथ की जरूरत है, आप लोग समझो। मैं एक छोटे से घर से हूं, मैं चोर नहीं हूं। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इंसान गलत काम करके भी पैसे कमा लेगा, लेकिन मैं अपना कला दिखा के पैसे कमा रही हूँ, फॉलोअर्स कमा रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सब लोग कमाता है, सबके बेटी बहन कमाती होती, सबके बेटी बहन की चोर सब बना दे, सबके बेटी बहन पार्लर में जाती होती, पार्लर में जाती है अपन साफ सुथरा होती है, अपन चेहरा बनावती होती, सबके बेटी बहन चोर हो जाइए हैं पार्लर में जाती है। आप लोग सोचिए, एक बहन है आपका, जैसे आपके बहन वैसे ये बहन है, लेकिन आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। आप लोग समझदार हैं ना कि पार्लर में बहुत लोग जाते हैं, बड़े छोटे भिखारी जाते हैं अपने जरूरत के लिए, तो सबको दुकान वाले चोरी लगाएंगे तो बताइए कोई, तो बेटी बहन जाएंगी पार्लर में? अपना रिकॉर्ड खराब कर रही हैं, सब बेटी बहन का रिकॉर्ड खराब कर रही हैं, सब पार्लर का रिकॉर्ड खराब खत्म हो रहा है, सबको चोरी लगा देंगी। बोलिए आप लोग के साथ दीजिए रखले बारू तू, तोर लगे हमार लड़किया गई तो का चोरा के ले आई, क्रीम लगा के हमारे लड़किया क्रीम चोरा के ले आई, से इन्ना क्रीम रखले वो लड़किया हमारा ही, हमार लड़किया कबू बचपन पर से क्रीम नहीं लगौले बा, कभी नहीं लगौले बा, ना हम कभी खरीद के दे भाई 5 रुपया क्रीम की हमार लड़की लगा ले, कभी नहीं मंगल सी हम से, लेकिन कैसे आप लगा देली बहनी चोरी में लड़की के, आँ कहा के लगे तो दुश्मन है लड़की से, हमार लड़की कहाँ गए आप कहाँ बानी, काहे चोरी लगौली में लड़की की? गरीब इंसान के चोरी लगाओ तनी सोचे चाहिए, आप इतना सुंदर बानी इतना बढ़िया बानी, लेकिन आपके अंदर कहा बा बोली, आँ ऐसा नहीं करे चाहे, क्यों गरीब के साथ ऐसा नहीं कर जाला? लड़की हमार सुबह से खैले नहीं बया कहीं से चिंता ली लड़की हमार, आप ऐसा करे चाहे, आपके पास सोच के आपके लगवा गई लड़की हमार, है कुछ सोच के कौन बात बतियावल जला कहा जला, इतना शौकीन लड़की हमार नाई है लगाए वाली, इतना क्रीम रखले वाली लड़की हमार, लेकिन कभी घर लगावे नहीं, ये फील्ड में बारी क्रीम कीन के रखले वाली कहीं जाली तो लगा लेगी घरे में लड़की, सब सिनार नहीं करेगी। ये बोल रही है हमको कि मैं इनका क्रीम लगा के खत्म कर दी, भाभी थोड़ा सा क्रीम हुआ दो तो। अरे हमारी लड़की की ऐसा चोरी मत लगाओ, मैं अपनी अम्मा की कसम खा रही हूँ, अपनी अम्मा के सर की कसम खा रही हूँ, यही है मेरे पास, मेरे बाबूजी भी नहीं है, यही है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसको कुछ हो जाए, मैं इसकी कसम खा रही हूँ, भाभी क्रीम हुआ देबू, हम क्रीम हुआ देबू इनके, ये मैं इनके यहाँ बाल लगवाने गई थी, ये मुझे 6,000 रुपए का क्रीम दी थी, मुझे 6,000 रुपए वही दुकान पे बोली, मैं पूछी मैम कितने का होगा, मुझे लगा मैं पूछी मैम कितने का है ये जो बाल में लगाना, जब बाल में लगवाई थी इनके पास तो बोली 6,000 का। एक बार भी मैंने सोची, फटाक से अपने फोन से इनको 6,000 रुपए दी, और 6,000 रुपए दी, लेकिन ये 6,000 लाइक क्रीम नहीं है, और देख लीजिए अभी तक इसमें सब भरा पड़ा है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखो आप लोग, है सब भरा पड़ा है, क्या है, किसी लायक नहीं है आपका क्रीम, ठीक है, किसी लायक नहीं है, क्या है इसमें, सब ये सब भरा पड़ा है आपका क्रीम, मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि मैं यूज की, मैं रिजल्ट देखी इसका, नहीं अच्छा है मैम आपका ये क्रीम, नहीं अच्छा है ये,
शैम्पू, अच्छा शैम्पू कंडीशनर ये इसमें भी भरा पड़ा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी भरा पड़ा है। क्या क्या है, पैसा लूट रही हैं आप, कस्टमर को बेवकूफ बना रही हैं, हराम का कमाई आता है, हराम का कमाई आता है, लूट रही हैं बैठ के। और आपके ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने खोला तक नहीं है, मैंने खोला तक नहीं है क्रीम। ये देखिए ये पॉकेट में है, ये मैं खोल के दिखाओ तो मैंने इनका क्रीम कहाँ लगाया है, मैंने सारा क्रीम इसमें भरा पड़ा है, सारा भरा पड़ा है। इनका क्रीम बोल रही है लगा के उसने खत्म कर दिया होगा। ये देखिए मैंने फेस वॉश खोला तक नहीं है, ये देख लीजिए आप लोग, सब भरा पड़ा है। ये SPF मैंने सिर्फ एक बार लगाया है, वो हमने इसे बोला कि मैम आपका दो प्रोडक्ट सेफ है, मैंने खोला नहीं, लगाया नहीं है, यूज नहीं किया है, मैं इसके पैसे दे रही हूँ और इसको मैं रिटर्न कर रही हूँ, इस दोनों प्रोडक्ट को रिटर्न कर रही हूँ और इसके मैं पैसे दे रही हूँ आपको। आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट देखिए, मेरे सर ने भेजा इनको, कल रात की बात है, फिर इन्होंने मेरे अगेंस्ट जाके वीडियो क्यों बनाया, मुझे चोर कैसे कह दी आप, मुझे कैसे कह दी चोर, जब मैं आपको प्रोडक्ट वापस कर रही हूँ, आपका एक प्रोडक्ट का पैसा दे रही हूँ, आप मुझे चोर कैसे बोल दी, चिल्ला के अपने पार्लर में मुझे चोर बोल रही है। बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, अरे शर्म कीजिए, बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, उन लोगों का साथ है आपके पास, इतने बॉलीवुड के लोग आपके पास आते हैं और आप इस गरीबों के साथ ऐसे छूट कैसे ऐसा कर सकती है मैम। अपना लेवल देखिए, आप लेवल देखिए, अपन लेवल देखिए, अपन शक्ल देखिए मैम, कितना सुंदर आप है, कि आपके अंदर कितना अच्छा विचार है, घटिया प्रोडक्ट देती है कस्टमर के साथ ऐसी ऐसा भाभी कपड़ा चलबू बहनी तो तुहार दुकान चली कि नहीं चली, बोला इतना लाम इतना दूर से गई लली आपके लगवा, 40-50 हजार रुपए मेरे खर्च हुए थे, खर्च कर गई लली, 40-50 हजार रुपए मेरे खर्च हुए थे, क्योंकि इन्होंने 4-5 दिन मुझे वहाँ पे रुकवाया था, शूटिंग में चली गई थी, कीन के 10 रुपया में बेचती है तो ये मेहनत से कमा ली पैसा, कम कर पैसा ले ली, लेकिन चोरी नहीं लगाए चाहिए, हम लोग के कमी रही तब नहीं गई, तब हम लोग चोर आदमी नहीं है, बड़े कब बस्ती काम है वाली, बड़े बड़े लोग के घरे लगे बाणी जा रही थी, भीतर से हरल जला निकल जला घर में से, तब 3 बच्चे बाढ़ हैं, केहू चोरी नहीं कर ला, केहू का सोना हमारे लिए माटी है, आप खुद चोरी करती है, क्रीम के लगा के चोरी करती है, ये फोन पे क्या कहती है 20 हजार में एक्सटेंशन हो जाएगा, जब लगवाने जाओ तो 70 हजार रूपए का लिस्ट बनाती है ये, 70 हजार का, ठीक है, और क्या बाल लगाती हैं आप, क्या सब रियल बाल खत्म हो गए, इतने जू पड़ गए थे मेरे सर में, इतने जू पड़ गए थे मेरे सर में, कस्टमर के साथ ऐसा मजाक कर, ठीक है, क्या एक्सटेंशन करेंगे, कोई एक्सटेंशन ना करवाए, सब खराब होता, अरे अपने रियल बाल को सही करो, आप लोग अपने रियल बाल को ठीक करो, ये नकली बात 4 दिन की चांदनी होती है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली थी, मैं सोच रही थी, अरे आप तो दिखने के थो भिखारी थी, हम लोग एक मन चावल बांटते हैं दुआरी पर बैठ के, खेती के लिए गरीब नहीं है हम लोग, चोरी करके कोई धन नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आपका विचार कितना गंदा है, बोलिए, हम ये सब कुछ नहीं बोलने वाले थे, मैं किसी के रोजी रोटी पे लात नहीं मारने वाली हूँ, लेकिन मुझे लोग गाली दे रहे हैं, हम लोग टीवी में देख के खुश हो गए, नहीं आपके खुश हो गए, मेरे बच्ची के साथ कितना अच्छा, सारे लोग मेरे घर में फॉलो किए, इतना गंदा विचार क्या है, सारे लोग इनको फॉलो किए, इंसान जो रोडे पर है उससे गंदा विचार आपका है, जो लोग पैसा मांगते हैं रोड पर घूम के दुआ गाली, उससे गंदा विचार है आपका, वो अच्छे है वो लोग, लेकिन आप इतना भारी बिजनेस करके 2-4 लाख के दुकान करके कस्टमर के साथ चोरी लगाती हैं, तो क्या मुंह दिखाओगी, आपके पास कस्टमर कौन चाहेंगे, बोलिए, हम लोग गरीब पैसा के लिए हैं, अनाज के लिए नहीं है, हम लोग भिखारी को बांटते हैं 2-4 रुपया हमेशा हम लोग का मर जाता है, लेकिन चोरी लगा के आप दूर पड़ गई है, नगीचे रहती तो बताते हम लोग, आप अपने दुकान करके खराब कर रही है, साक्षी बहनी हमारे घरे अलू के ना हमन के खुश रहनी, हमारे बहनी के साथ अलू के ना खुश हमन के रहनी, तो हर चर्चा हम हर जगह चलात रही है, हमारे बहनी के साथ है तो बहनी रहे गोरखपुर के, का बिगड़ली बहनी हमारे, का हमारे बहनी के खिलाफ तू जाती अलू, हमारे लड़की के साथ बहनी के साथ का तू खिलाफ जाती अलू, अपने एरिया के रह के अपने घरे रखले रहू है, साथे रहू है, तो
हमारे लड़की का बिगाड़ते लस्सी का है, तू खिलाफ करती हो हमारे बहन के पार्लर वाली कर रहे हो तो दूसरे देश के है, दूसरे बिराना देश के है, साथ है तो के लिए आ गई यहाँ पर जान के हमारे के बड़ा खुश रही है कि साक्षी बारी हमारी बहन की कुछ हुई ना आई काली परसों से बड़ी खाई ले लाई बड़ी बताओ हमार के बा हमारे पति ना ही बारा था हमारे बहन ही बारी हमारे साथ पार्लर वाली तो हमारी बहनी बेजती करती है आए बताओ खुश रही है वो साल भर परेशान रही है पार्लर वाली हमारा आस गिरा था ऊपर साल रही है उनके दुकान में कब्बू बरकत ना रही चोरी लगा के साहे मन के हमारे घर में चोरी लगा के उनके शांति कभी नहीं पाई है पार्लर वाली शांति कभी नहीं पाई है उनके दुकान में एक रुपया दो रुपया घटते नहीं पड़ी ना हमारा आस गिरा हुआ मेरी लड़की के साथ थे वो सोच लिए उनके दिमाग हुई बुद्धि हुई तो सोच लिया लेकर आस गिरा था ए भाई सारे का गिरल के हूँ माफ नहीं कर पाई भगवान माफ नहीं करिए उनके परेशान रही है एकदम परेशान रही है अब आज के दिन से उनके घटना शुरू हो जाए उनके दुकान में लाखों का दुकान उनका कम हो जाए जो कहीं लड़की क्यों लगाओले बारी तू का खिलाफ होती लड़ी बहनी अपने गोदी में रखा ले रही हमारी बहन के तुहार अम्मा रख ले तुहार अम्मा हम बहन है हम तुहार अम्मा आई तोरे अम्मा जान के तोरे घर जान के अपने बहनी का मुँह छोड़ ले रही तू काहे खिलाफ जाती है तू ना ही हमारे घर देखल हुए बोलो कम से कम तू तो साथ द तोरे घर हमारे बहनी रह लिया तुहें के जान के हम अपने लड़की अब छोड़ ले रही तोरे लगवा साक्षी बारी बहुत बढ़िया बहन हमारे बारी हमारे बहनी का कल्याण देखभाल करती आई बोलते रहते हो कुछ नहीं यानी बहनी ना रही है तो का वही बतावा कि ऊपर इल्जाम के होगी बोला कहा ऐसा खिलाफ चल चल हमारे बहन साथ